लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित होने के बाद रायपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी प्रमोद दुबे के कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद शनिवार को प्रमोद दुबे का दिन मंदिर से शुरू हुआ। शनिवार की सुबह अपने घर से निकलने के बाद प्रमोद दुबे सीधे ब्राह्मणपारा स्थित हनुमान मंदिर गए। अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचे प्रमोद दुबे ने मंदिर पहुँचकर पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि बीती रात कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की 7वीं सूची जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ की भी 4 सीट शामिल है। आपको बता दें कि रायपुर लोकसभा सीट के लिए शहर के महापौर प्रमोद दुबे सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।